नर्मदे है दोस्तों, फिर एक वीडियो प्रश्नोत्तर पे है आपकी। तो आज का पहला प्रश्न है अमर सिंह जी का। वो पूछते हैं, क्या नर्मदा किनारे जो जंगल है उनमें जंगली जानवर है क्या? देखिए दोस्तों, मैं डराने की कोशिश नहीं करूंगा बिल्कुल, और ना ही ऐसा बोलूंगा कि आप बिल्कुल सेफ है, ऐसा भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि जंगल है तो जानवर तो जरूर होंगे, और जानवर है भी वहां। उसमें जानवर में टाइगर, चीता और भालू, ये जंगली जानवर, क्रूर जानवर वहां पे है। लेकिन उनका ही जंगल है दोस्तों, और उनके जंगल में हम जा रहे हैं, तो इसलिए सतर्क रहिए हमेशा, और सतर्कता बनाए रहिए। और जंगल में देखिए दोस्तों, ऐसा होता है वहां पे, अगर कोई जंगल शुरू होता है ना, तो वहां पे पहले ही आपको सतर्क किया जाता है कि आगे जंगल है, तो आप ऐसे ऐसे ये सावधानियां बरती है। और आपके साथ में मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक जंगल, सबसे घना जंगल है, एक अमरकंटक का जंगल है, दूसरा लक्कड़कोट का जंगल। ये सबसे घने जंगल है। मंडरा जंगल है, लेकिन वहां गांव है, सब कुछ है, इतना उन जंगली जानवरों का वावर इतना नहीं है। लेकिन लक्कड़कोट का जंगल और अमरकंटक का जंगल, वहां पे जंगली जानवर बहुत ज्यादा हो सकते हैं, है भी। कान्हा रिजर्व बोल के एक एरिया लगता है, वो टाइगर के लिए रिजर्व होता है, रिजर्व है, मतलब बहुत बड़ा एरिया है, वो टाइगर के लिए है वो जंगल कान्हा, तो वो एमपी में है। ऐसे तो जंगल होते हैं ना, उसमें जंगली जानवर होने का खतरा होता ही है, जंगली जानवर है ही, उन्हीं के लिए बनाए गए होते हैं जंगल। और लक्कड़कोट में आपको जो जंगली जानवर का एरिया पड़ेगा, जयंती माता मंदिर, वहां पे टाइगर आना जाना रहता है, ऐसा माना गया है, माना क्या गया है, वहां पे आते भी है, देखा भी गया है। तो वहां पे आप जब शाम को पहुंचते हैं ना, तो शाम को आपको जाने ही नहीं दिया जाता आगे, सुबह ही जाने दिया जाता है, दिन के उजाले में ही सबको जाने दिया जाता है, और जाने भी दिया ऐसा जाता है, सब झुंड में जाते हैं, ऐसा अकेले कोई नहीं जाता। और वहां पे आप अकेले भी पहुंचते हैं, तो आपसे पहले भी बंदे आए हुए होंगे, आपके बाद भी आएंगे, और वो सुबह एक साथ ही निकलेंगे। अगर आप दोपहर को पहुंचते हो 1-2 बजे, तो भी आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आगे जाते जाते अगर अंधेरा हो गया तो आप फंस सकते हैं। इस वजह से वहां जाने ही नहीं दिया जाता, पहले ही मना कर दिया जाता है कि आप आगे मत जाइए, आपको टाइम हो जाएगा, आप सुबह ही निकल लीजिए। आप जयंती माता जब भी पहुंचते हैं, तो आप रुक जाना है वहां पे बिल्कुल, और आप सुबह ही शुरुआत करनी है जयंती माता से पामाखेड़ी के लिए। वही जो एरिया है वो खतरनाक है थोड़ा सा, और वहां पे जानवर वगैरह अटैक कर सकते हैं। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन जंगल से तो ऐसा ही होता है। हालांकि ऐसी ज्यादा केस नहीं है कि जंगली जानवर ने किसी पे अटैक किया हो, ज्यादा केस वगैरह नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऐसा है, जंगली जानवरों के बारे में जितना जानता हूं मैं, जंगली जानवरों को जितना हम घबराते हैं, हमसे भी वो घबराते हैं। वो जो रास्ता है जंगल के बीच में से जाता है ना, उस रास्ते से कुछ ही दूरी के दूरी पे रहते हैं वो, मतलब उस रास्ते के पास नहीं आते वो लोग। एक तो वहां से गाड़ियां जा रही होती है, गाड़ियां का ज्यादा आवाज उनको पैनिक कर देता है, और दूसरी बात, लोग आवाज करते हुए जाते हैं तो फिर वो पास में नहीं आते, इसलिए एक बहुत कम केसेस होते अटैक के। लक्कड़कोट में थोड़ा सा लगता है, एक दिन का पैच है सिर्फ, 1 से 2 दिन का, जो आपको थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन उसमें भी आप थोड़ा सा ग्रुप में होंगे, लोगों के साथ ग्रुप में चलेंगे, तो वहां प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला सवाल पूछते हैं कृष्णेंदु बंदोपाध्याय, ये पूछते हैं क्या चातुर्मास करना जरूरी है क्या? देखिए जी, चातुर्मास करना जरूरी है कि नहीं, ये उस बात पे डिपेंड करता है कि आप परिक्रमा कितने दिनों की लेते हो, करते हो कितने दिनों की। अगर आप 1 साल की परिक्रमा करना चाहते हो, तो आपको एक चातुर्मास तो लगेगा ही, करना ही पड़ेगा वो एक। और 3 साल 3 महीने 13 दिन की करते हो, तो आपको 3 चातुर्मास करने होंगे, 3 चातुर्मास, तब वो एक 3 साल की परिक्रमा मानी जाएगी। अगर आपके पास कम टाइम है, 5-6 महीने में ही कर लोगे, तो आप नवंबर से शुरू कर सकते हैं, जून जुलाई तक हो जाएगी, तो उसमें चातुर्मास की कोई जरूरत नहीं होगी। और अगर आपको लंबा परिक्रमा करनी है,
तो फिर वहां पे चातुर्मास बीच में लगेगा ही, मतलब जुलाई से शुरू होता है चातुर्मास, नवंबर तक चातुर्मास होता है, 4 महीने का चातुर्मास होता है। तो उसमें चातुर्मास करना या नहीं करना वो आप पे डिपेंड है कि कितने टाइम तक आप परिक्रमा कर रहे हो और किस समय से शुरू कर रहे हो आप परिक्रमा। अगर आप जुलाई से चातुर्मास शुरू करते हैं, चातुर्मास शुरू होता है, तो आप अगर मार्च में परिक्रमा उठा लोगे तो आप वहां तक परिक्रमा पूर्ण ही नहीं कर पाओगे, तो आपको चातुर्मास करना ही पड़ेगा। ये डिपेंड है। और जहां तक मेरी राय है, जिंदगी में एक बार एक चातुर्मास तो जरूर करना चाहिए। चातुर्मास के अलग अलग नियम है, उन सभी नियमों को फॉलो करके एक चातुर्मास पूरी पवित्रता से करते हैं तो आपका आध्यात्मिक और जो भौतिक ज्ञान है वो बढ़ जाता है। वो आप मेंटली जो सतर्कता होती है ना, वो ज्यादा बढ़ जाती है। और जो आप उसमें फॉलो करते हैं एक एक रूल, वो आपकी बॉडी के लिए भी सही रहते हैं। वो 4 महीने बिल्कुल ऐसे कठोर तपस्या से आपका बॉडी गुजर जाती है, आगे आपकी बॉडी बहुत, आप ऐसे चार्ज होके निकल जाते हैं। पूरी जो बचपन से जो लाइफ आप जी रहे हो ना, वो 4 महीने वो जो लाइफ में जो लॉस हुए है ना, उस 4 महीने वो चार्ज हो जाते हैं, वो लॉस पीछे छूट जाते हैं उस 4 महीनों में। तो आप अगर पूरे चातुर्मास के विषय पे, मैं एक अलग वीडियो, बहुत बड़ा विषय है चातुर्मास, उस विषय पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या नियम होते हैं, किस पवित्रता से वो करना चाहिए और किस जगहों पे करना चाहिए, कैसी जगहों पे करना चाहिए, वो बहुत बड़ा विषय है। चातुर्मास कोई बच्चों का खेल नहीं है, और ना ही ऐसा है कि हम कहीं से भी उठ के चले गए, कहीं भी कर लिया और 4 महीने राम राम कर लिया और वहां से आ गए, ऐसा नहीं है। चातुर्मास बहुत कठिन विषय है और चातुर्मास करना है। अगर एक भी नियम टूटता है, चातुर्मास टूट गया समझो, चातुर्मास तोड़ना नहीं होता, वो बहुत कठिन तपस्या होती है 4 महीने की। नर्मदा परिक्रमा एक तपस्या है, लेकिन उससे भी कठिन तपस्या है चातुर्मास एक जगह पे रुक के उसको पालन करना। तो इस वजह से चातुर्मास पे एक वीडियो बनाऊंगा, और चातुर्मास जीवन में एक बार तो वैसा चातुर्मास करना ही चाहिए। और अगला सवाल पूछते हैं भारत नाई जी, जो इन्होंने हाल ही में सवाल पूछा है और बहुत बार उन्होंने पूछा है, बहुत लोगों ने भी पूछा है कि नंगे पैर परिक्रमा करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा का जो रूल बताया गया है, रूल में से एक रूल ये भी है कि नंगे पैर ही परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन नंगे पैर परिक्रमा अब पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जैसा आपके पास टाइम होता है, टाइम कम होता है तो चलना भी ज्यादा होता है। ज्यादा चलना मतलब पैरों को ज्यादा तकलीफ, और पैरों को ज्यादा तकलीफ होगी तो इसका मतलब पैर खराब होने के चांसेस। अगर आप चप्पल नहीं पहनोगे, जूते नहीं पहनोगे, तो नहीं कर सकते आप नंगे पैर परिक्रमा। और काल और समय की बात है दोस्तों, सारा कुछ बदल गया है, अब परिक्रमा में चप्पल पहनना जरूरी हो गया है, क्योंकि टाइम कम हो गया है परिक्रमा का, इस वजह से। अगर हाँ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, 1 साल का टाइम है या 1 साल से ज्यादा का टाइम है, तो आप नंगे पैर परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि कम कम चलना है तो फिर उतना चल सकते हैं आप, उतने पैर भी आपके ताकतवर होते रहेंगे। लेकिन आप एक ही बार में ज्यादा चलने की सोचोगे नंगे पैर, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि अभी भी परिक्रमा जल्दी जल्दी करते हैं और नंगे पैर नहीं करते, नंगे पैर ही करते हैं और जल्दी जल्दी भी करते हैं। 5 महीने में लगभग मैंने बहुत सारे परिक्रमावासी देखे जो नंगे पैर कर रहे हैं परिक्रमा, और उनकी 5 महीने में परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है, बस उनके पैरों में थोड़ी थोड़ी दिक्कत रही है हमेशा, ये मैंने देखा है। और बहुत सारे हमारे साथ भी चल रहे थे, कुछ लोगों के मैंने इंटरव्यूज भी लिए हैं, जो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, जो नंगे पैर परिक्रमा कर रहे थे, उनके पैर में फोड़े फुंसी ये आना तो बना ही रहता है, और जलन और दर्द भी बना रहता है। इस वजह से हम खुद को दुखी करके परिक्रमा करना, ये मुझे सही नहीं लगता। इस वजह से आप अगर कम टाइम में चलना चाहते हैं तो बिल्कुल जूते पहन के करिए, और खुद को ज्यादा दुख ना पहुंचाए। और रही बात जो ज्यादा समय के लिए कर रहे हैं, वो बिल्कुल नंगे पैर कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी और सुंदर हो जाएगी तपस्या। तो
तो इस वजह से आप बिल्कुल नंगे पैर भी चल सकते हो, ज्यादा टाइम है नहीं है तो आप बिल्कुल जूते पहन के चप्पल पहन के कर सकते हो। अगला सवाल पूछते हैं बाबा साहेब कुलकर्णी जी, वो पूछते हैं चलने के लिए परिक्रमा में क्या ठीक रहेगा, शूज और चप्पल इन में से क्या ठीक रहेगा। ये परिक्रमा में चलने के लिए शूज अपने काम आएंगे और चप्पल अपनी जगह पे ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अब जब परिक्रमा आप नवंबर में शुरू करते हैं तब ठंडी ज्यादा रहती है, जनवरी लास्ट तक ठंडी बहुत ज्यादा रहती है, इस वजह से उन 3 महीनों में आपको सुबह सुबह तो शूज पहनने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप ठंड से पैर खराब हो सकते हैं, पैर में दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है, जलन हो सकती है ठंड से, और ठंडी ज्यादा लगती है। तो इस वजह से सुबह सुबह आप जब से भी शुरू करते हैं सुबह परिक्रमा करना, वहां से लेके 11-12 बजे तक आप शूज पहन सकते हैं, उसके बाद धूप पड़ जाती है तो इस वजह से गर्मी होने लगती है पैर में, तो आप चप्पल निकाल के चप्पल पहन सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इसलिए आपको शूज भी रखने पड़ेंगे, चप्पल भी रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो आप सिर्फ चप्पल रख सकते हैं, शूज ना रखते हुए भी आप चप्पल रख सकते हैं, सॉक्स या मोजे जिसको बोलते हैं, आप चप्पल में मोजे डाल के पैर से चल सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चप्पल सबसे बेस्ट है और ज्यादा ठंडी लगती है आपको तो शूज भी रख सकते हैं, दोनों चीज वैसे अपने अपने काम ठीक करती है। अगला सवाल है गोरिल्ला कैपर जी का, इन्होंने असली नाम नहीं लिखा इस वजह से मुझे ये नाम लेना पड़ रहा है गोरिल्ला कैपर्स, और बाकी असली नाम हो तो आप कमेंट में बता दीजिए गोरिल्ला कैपर्स जी, ठीक है। उन्होंने लिखा है हाउ ओल्ड आर यू, तो दोस्तों मेरी उम्र है 27 साल। अगला सवाल वही पूछते हैं डिड यू लीव योर फैमिली, तो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा नहीं है, मैं गृहस्थ ही हूँ, मैं सिर्फ दीक्षित हूँ, गुरु दीक्षित हूँ, संन्यास नहीं लिया है मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगली जिंदगी क्या हो मुझे भी नहीं पता, तो इस वजह से मैं सारा भोलेनाथ जी पे डिपेंड हूँ और भोलेनाथ जी पे भरोसा करके चलता हूँ। मेरी स्टोरी बहुत अलग है, वो किसी वीडियो में कभी और बताऊंगा, उसके बारे में आगे आपको पता लग जाएगा कि मेरी लाइफ की क्या स्टोरी रही। तो आज के लिए इतना ही, तो अगले सवाल आप जरूर पूछिए, जो भी हो मन में सवाल वो पूछ लेना है कमेंट में, बिल्कुल मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैंने सवालों के जवाब दे दिए है, कुछ कुछ विषय रह गए हैं जिनको एक वीडियो पूरी बनेगी उन पे जो सवाल है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा विषय होता है, इस वजह से मैं एक वीडियो में बना नहीं पाता हूँ, कुछ सवाल ऐसे हैं जो उनके लिए पूरी वीडियो लगेगी, वो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा, पूरी पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आपके अगर और भी सवाल है तो आप जरूर लिख सकते हैं कमेंट में, उनको सबको मैं पढ़ता हूँ, नोट करता हूँ और एक एक करके मैं देने की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और रही बात चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, धर्म का चैनल है, और रही बात धर्म के प्रचार के लिए हमें जो बन सके वो करना चाहिए, तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने किया है उनको लिए दिल से धन्यवाद, उनको मेरा प्रणाम, और माँ नर्मदा जी सभी को हमेशा खुश रखे, ऐसी मैं माँ नर्मदा जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, नर्मदे हर 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 महादेव।